इच्छा से छात्र यहां पहुंचा तो छात्र ने मां से मांगे थे 5000 रुपए, रुपए ना देने पर गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आईआईटी की तैयारी कर रहा था ये छात्र। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मां को मुक्ति दिलाने की मंशा से वो यहां पहुंचा था, गिरफ्तारी कर ली गई है, पूछताछ जारी है। तो मां की हत्या कर शव सूटकेस में लेकर पहुंचा था ये शख्स। आईआईटी की तैयारी कर रहा था ये छात्र जो बिहार का रहने वाला था। मां को मुक्ति देने की मंशा से छात्र पहुंचा। संवाददाता मानवेंद्र का रुख कर लेते हैं। मानवेंद्र, क्या कुछ है पूरा मामला गिरफ्तारी के बाद, अब आगे की कार्रवाई और पूछताछ में क्या कुछ? ये देखिए, पुलिस ने उसको सीजीएम की कोर्ट में चूंकि अरेस्टिंग हुई थी उसको पेश किया था, वहां से उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब चूंकि मामला ये घटना जो है हिसार की है, तो हो सकता है कि वहां की पुलिस उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के यहां से जाए। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना सामने आई, बेहद ही चौंकाने वाली घटना, सनसनीखेज। एक युवक सिर्फ महज 5000 रुपए के लिए उसने अपनी मां का दर्द कत्ल किया, बल्कि मां को मुक्ति दिलाने के लिए उनका शव लेकर के प्रयागराज के संगम तट, हरियाणा के हिसार से प्रयागराज के संगम तट पर पहुंच गया और सूटकेस में शव लेकर के पहुंचा था। जो संगम के घाट पर जो लोग मौजूद थे उन्हें शक हुआ और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब सूटकेस को, लाल रंग का सूटकेस था, उसको खुलवाया तो उसके अंदर से एक महिला का शव मिला, बुजुर्ग महिला का शव था। जब युवक से पूछताछ हुई तो युवक ने बताया कि उसकी मां का शव है और उसने अपनी मां की गला दबा करके हत्या कर दी। तो कलयुगी बेटे की एक करतूत जो है वो सामने आई और उसके बाद से जो है पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर किया था, कोर्ट में पेश किया है, जेल जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाली घटना, और हुई ये घटना भी हरियाणा के हिसार में उसने अंजाम दी, रहने वाला वो बिहार का है, घटना हरियाणा में अंजाम दी। और शव का अंतिम संस्कार करने के लिए, शव को प्रवाहित करने के लिए वो प्रयाग यूपी पहुंचा था, प्रयागराज पहुंचा था। तो 3 अलग अलग राज्यों से इस पूरी घटना का संबंध है। लेकिन कितना दुस्साहसिक था युवक, जिसने न सिर्फ अपनी मां की हत्या की बल्कि हिसार के शव सूटकेस में भरकर प्रयागराज पहुंच गया। बिल्कुल, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला। आप बने रहिए मानवेंद्र, लौटेंगे आपके पास। पुलिस को उस पर शक हुआ, उसमें डिटेल में जब उससे विस्तृत पूछताछ की गई कि सूटकेस में क्या है, तो उसके द्वारा बताया गया कि जो लड़का है उसका नाम हिमांशु है और मूलतः वो गोपालगंज बिहार का रहने वाला है। और उस सूटकेस में जब उसको खुलवा के देखा गया तो उसमें एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। और उस जब डेड बॉडी के बारे में पता किया गया तो उस हिमांशु ने बताया कि वो उसकी मदर की डेड बॉडी है। उसी दौरान पुलिस ने इसको संदिग्ध होने की वजह से पूछताछ में बाद में हिरासत में लिया। इसको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जो महिला की डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। बिल्कुल मानवेंद्र, गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। इस गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस का क्या कुछ कहना है, आगे कार्रवाई को किस तरह से बढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ ये जो